यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मेरे दोस्त पूछ उस चिड़िया से जाकर कि कैसे बना उसका घोंसला, तो वो कहे कि दिन का दिन का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस रावत और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करता हूं। और मेरी हॉबीज़ के बारे में बात करूं तो सिंगिंग मेरी हॉबीज़ हैं। इस क्षेत्र में मैं अभी मेरा बिगनिंग टाइम है और इस अभी कोशिश कर रहा हूं सीखने की और सीख रहा हूं। और मेरा यही प्रयास है कि कुछ टाइम बाद मैं भी अपने पेरेंट्स का इस लाइन में खुद का एक नाम बनाऊँ, एक अपना फेम बनाऊँ। फिर से इस मंच में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, देवभूमि हिम कला मंच हर बार अपने मंच में हर कलाकार को आने का मौका देता है, उन्हें पहचानने का मौका देता है और उनके छुए अनछुए पहलुओं को हम सभी के बीच रखने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में हमारे साथ है प्रिंस रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि हिम कला मंच में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आज आपने बहुत कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से आभार करते हैं। जी, थैंक यू सो मच जी। सो प्रिंस जी, किस तरीके का सफ़र रहा संगीत की दुनिया में, क्योंकि संगीत को एक समुद्र की तरह नापा जाता है और कहा जाता है कि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि इसकी गहराई को कभी नहीं नापा जाता, लेकिन उसके बावजूद जो आप संगीत के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, हम आए दिन देखते हैं आपकी फेसबुक में पोस्ट देखते हैं, अलग अलग जगहों में देखते हैं, हर जगह आप छाए रहते हैं। जी, क्या कड़ी है इसके पीछे? जी, आपने सही बात बताई कि इसकी गहराई को नापने के लिए कोई भी ऐसा पैमाना ही नहीं बना है। बिकॉज़ मेरा संगीत का सफ़र कुछ ज़्यादा टाइम से नहीं रहा है, अभी 4-5 साल से रहा है। शौक़ बचपन से था, बट एक कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, टैलेंट सबके अंदर होता है, तो वही हमारे साथ भी था। क्योंकि एक मैं छोटे से विलेज से बिलोंग करता था, बट वहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसके थ्रू मैं इस लाइन में आगे जाऊँ और सीखूँ, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था। जैसे ही मैं गांव से बाहर सिटी में निकला स्टडी करने के लिए, तो वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों में एक जुनून देखा एक अलग करने का। क्योंकि गांव में जब रहते हैं हम एक सीमित अपनी पढ़ाई तक ही रहते हैं और घर वाले भी यही चाहते हैं कि बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जैसे ही हम सिटी में बाहर निकले, वहाँ बहुत सारे बच्चों में अलग अलग टैलेंट दिखा, कोई डांस कर रहा है, कोई खेल में आगे है, कोई गाने में आगे है, तो वैसे ही मेरे भी कुछ यार दोस्त थे जो संगीत से जुड़े थे, उन्हें भी देखता था तो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, ये कुछ अलग कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करें, टीचर कर रहे हैं, एनुअल डे में प्राइजेस मिल रहे हैं। तो मेरा भी एक मन बना कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए कुछ। तो कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने सुजेस्ट किया कि नहीं, आप भी हमारे साथ आइए, कोशिश कीजिए। बस मैंने वही कोशिश की और कोशिश से आज ऐसा है कि धीरे धीरे नाम बन रहा है, क्योंकि एफर्ट नेवर डाई, क्योंकि आप जितना प्रयास करेंगे उसका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। तो अभी बस प्रयास जारी है, बाकी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। जी, चलिए, बहुत बढ़िया, प्रयास जारी है और जिस तरीके से कुछ अलग करने की आपने भी अपने मन में ठानी। जी, घर से जिस तरीके से परिवार से एक सपोर्ट रहता है कि हर बच्चे के माता पिता यही चाहेंगे कि बच्चा पढ़ लिख जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर चला जाए, क्योंकि इस फील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत है। जी, तो परिवार से किस तरीके का सहयोग मिलता है? जी, परिवार से जब मैं गांव में स्टडी करता था तो कोई सोर्स नहीं था, तो उनके माइंड में भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं आई पढ़ाई के अलावा कि हम अपने बच्चे को किसी अनदर फील्ड में भेजे, या खुद से भी उनमें कोई ऐसा शौक नहीं था, क्योंकि फैमिली में कोई भी ऐसा गाने बजाने वाला नहीं था अलग। तो बस मैं जैसे जैसे आगे सीखते गया, जैसे थोड़ा बहुत नाम मिला, जैसे चाहे सोशली मिला या कभी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला, तो उसको देखते हुए जब लोग भी उन्हें बाहर मिलते थे कि नहीं, आपका बच्चा अच्छा गाता है, अच्छी आवाज़ है, अच्छा कर सकता है, तो माँ बाप को भी एक प्राउड फील होता है और उन्होंने सोचा कि नहीं, आगे जाके कुछ बच्चे के लिए करें, सपोर्ट करें। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में फुल सपोर्ट रहता है। तो जब भी कहीं इवेंट है, कुछ भी करना है मुझे, तो बिन बताए कुछ भी करने के लिए वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। जी, कोई ऐसा पल कि कभी आपने कहीं परफॉर्म किया और वहाँ पर आपकी फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व हुई, या कोई ऐसा यादगार पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में काफ़ी सारे फेयर्स होते हैं, शूलिनी है, हिमाचल उत्सव है, तो उस दौरान ही जब मैं अपना स्टार्टअप किया था म्यूज़िक में, सिर्फ शौक था, उस वक्त सीखा नहीं था बट शौक बहुत था, और एक चीज़ था कि जैसे और बच्चे गा रहे हैं, मुझे भी स्टेज पे परफॉर्म करना है। राइट, तो मैं एक बार की बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, वो हम लोग मेला देखने गए थे, तो स्टार नाइट्स होती हैं, तो नाइट के इवनिंग टाइम में गए थे, तो सबसे पहले वहाँ गेस्ट
परफॉर्मेंस होती है, कुछ लोग अपना टैलेंट को दिखाते हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता उन्हें मौका दिया जाता है। तो मेरा खुद का भी उस दिन मन था कि मैं भी आज कुछ करूं, तो मैं अपने फैमिली के साथ गया, उन्हें चेयर पे बिठा दिया कि आप देखिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो थोड़े उन्होंने लगा कि कुछ ऐसे ही गया होगा, कहीं इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, क्योंकि वो दूसरों को बच्चे को देख के तालियां बजा रहे थे। तो मेरा उस दिन मन था कुछ अलग करूँ, और अपने मन को भी एक डर सा भी रहता है फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्टेज पर जाना, जहाँ हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हेजिटेशन रहती है। बट मुझे ये लगता था कि नहीं, जब ये बच्चे गा रहे तो शायद मैं भी गाऊँ, चाहे कुछ भी गाऊँ, पर पेरेंट्स को दिखेगा तो शायद अच्छा लगेगा, एक इमेज अच्छी बन जाएगी। तो उसी बीच मैं उनको वहाँ पर बिठा के मैं चुपके से अपना एंट्री करवाया, जैसे नाम लिखते हैं स्टेज के लिए। तो वहाँ पर मैं चुपचाप चला गया और मैं स्टेज पे सीधा चला गया। तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं, फर्स्ट टाइम डर सा भी लगता था, बट ये था कि मैंने कहा मुझे कुछ गाना है बस, क्योंकि बीट के साथ गाना भी एक अलग चीज़ होती है। बट फिर भी मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था विद म्यूज़िक, तो वो मेरा अच्छा रहा था सर, क्योंकि मैं हिमाचली गाने ज़्यादा गाता था, क्योंकि तो हाँ उसमें मैंने गाया। तो उस दिन के बाद माँ बाप को अच्छा लगा कि नहीं, कुछ बच्चे ने एक सरप्राइज़ दिया, तो शाम को एक प्राउड फील भी किया उन्होंने, नहीं कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। यादों की बात करूं तो अभी लास्ट ईयर की बात करता हूं, तो सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए वही था, मैं इलाहाबाद में था उस वक्त जॉब के सिलसिले में, तो वहां पर ऑल इंडिया लेवल का एक फोक कंपटीशन चल रहा था। मैं अपनी बात करूं तो मैंने म्यूज़िक कभी सीखा नहीं है, बट हाँ कुछ गुरु हैं मेरे आउट ऑफ हिमाचल के, क्योंकि अच्छा सुनते हैं मुझे, तो बोलते हैं आप अच्छा कर सकते हैं, तो गाइड करते रहते हैं, थोड़ा सुर के नॉलेज देते रहते हैं। तो उसी बेस पे मैंने उनके ही बेस पे वहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पे मेरी पोजीशन क्या होगी, बट मुझे ये था कि मुझे करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इतने बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, शायद पार्टिसिपेट करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैंने अपने से 100% अच्छा दिया था। मुझे एक चीज़ था कि मुझे अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट करना है यूपी में, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे ये पता नहीं था पोजीशन क्या है, बट फिर भी देखो मेरा जो मैं जॉब के साथ सर उसमें आप यकीन नहीं मानोगे, 2 हफ्ते से प्रैक्टिस करता था जॉब के टाइम में, सुबह ऑफिस भी जाना है, इवनिंग में भी आना है, खाना भी बनाना है अकेले रूम रह के, उसके बावजूद भी मैं 2 किलोमीटर पैदल जाता था शाम को अपने गुरुजी के पास, जो मेरे नॉन थे जानने वाले, तो उनसे टिप्स लेता था क्या करना है बीट के साथ, कैसे उन्होंने मेरे लिए सारा अरेंजमेंट किया था इंस्ट्रूमेंट का। तो वहाँ पर मैंने किया, तो मैंने अपना 100% दिया, और उस 100% में बोलते हैं ना कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मैंने सिर्फ मेहनत पे फोकस किया था, मैं मेहनत करूं और अच्छा करूं, और अच्छा करते करते जिस दिन रिजल्ट आया तो मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट जो आया था वो कम से कम 10 से 15 सालों से सीख रहा था फोक, और वो फर्स्ट आया था, और मैं फर्स्ट रनर अप बिना सीखे मैं वहाँ पर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोमेंट, एक बहुत अच्छा मोमेंट था उस वक्त, क्योंकि जब मुझे सिल्वर ट्रॉफी से वहाँ पर सम्मानित किया गया और सर्टिफिकेट दिया एक नेशनल लेवल का, बिना सीखे मैं नेशनल लेवल तक पहुँचा, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील था और सबसे यादगार लम्हा था। चलिए सर, ये बहुत बड़ी बात है कि हिमाचल को रिप्रेजेंट करना और उसके बावजूद वहाँ पर रनर अप का खिताब भी अपने नाम करना। तो प्रिंस रावत जी, जिस तरीके से अब हमारे श्रोता भी हमें सुन रहे हैं, सारी ऑडियंस हमें सुन रही है, तो क्यों ना 2 शब्द कुछ गाने के हो जाए, कुछ सुना दिया जाए हमारी ऑडियंस को। जी सर, ज़रूर ज़रूर। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवाओं के परों पर मेरा आशियाना।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है प्रिंस जी, और बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ, क्योंकि आज बहुत धन्यवाद जी, तो इंटरव्यू सेशन है लेकिन आज सुबह से ही हम आपके साथ हैं और बहुत इन्जॉय हम आपके साथ कर रहे हैं। तो और कुछ बताना चाहेंगे, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आज बहुत से मंच जो है वो कार्य कर रहे हैं, बहुत सी प्रतिभाएं निखर कर आ रही है, क्या लगता है आने वाले समय में हिमाचल का भविष्य क्या है संगीत में? जी देखिए, बहुत अच्छे काम करे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, देवभूमि हिमकला मंच अल्सो, जैसे कि एक बेस होता है, मैं कुछ टाइम पहले देव सर से यही डिस्कस कर रहा था कि बच्चों का जो बेस होता है उस टाइम में उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए टाइमली, तो उनका बेस मजबूत हो जाता है, क्योंकि टैलेंट हर किसी इंसान में है आज की डेट में, बट प्लेटफॉर्म की कमी रहती है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि डांस हर कोई कर लेता है अच्छे से, अच्छा है बहुत सारी हिमाचल के, हिमाचल से बाहर भी बहुत अच्छा है, बट एक चीज़ होता है सबको DID मंच नहीं मिल पाता, वैसे इंडियन आइडल नहीं मिल पाता, गाने वाले बहुत हैं, तो एक बच्चे का जो बेस होता है उस टाइम पे वो अगर मेहनत करें अच्छा करें तो उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक अच्छा करियर बन सकता है। और ये सब काम आज जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बनी है जो अलग अलग, चाहे डांस के सेक्टर में है, चाहे आपके सिंगिंग के सेक्टर में, एक्टिंग के सेक्टर में है, तो ये सब मौका देते हैं बच्चों को आगे बढ़ने का, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसमें बच्चे भी अच्छे से दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में बच्चे इतना पढ़ाई पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया है, सोशली हर चीज़ है, तो इंटरेस्ट उसमें ही है, तो उस सोशली मीडिया का अगर बच्चे क्या कोई भी अच्छे से यूज़ करें तो वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकता है। तो यही बोलना चाहूँगा मैं बच्चों को भी, जो भी अपना टैलेंट है उसे आप शो करें, और अपने गोल जो भी आपके होते हैं उसको स्पेसिफिक ज़रूर करें, क्योंकि आपका जब तक टारगेट स्पेसिफिक नहीं होगा, आप चाहेंगे डॉक्टर बनना, आप चाहेंगे मुझे क्रिकेटर बनना था, मुझे डांसर, तो कभी नहीं होगा। आपका जो एम है, गोल है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है आप काम करो, बाकी प्लेटफॉर्म देने के लिए आज की डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, आप आगे आइए, पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करो, और इसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो उसके थ्रू आप अपना भविष्य, जो भी आपका गोल है, उसमें आसानी से बना सकते हैं। जी प्रिंस जी ने जैसी तरीके से बात कही कि जितने भी युवा साथी हमारे, हमारी एज के, हमसे थोड़े बड़े या उनसे थोड़े बड़े, वो सभी अपना एक गोल डिसाइड ज़रूर करें ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक बहुत पुरानी कहावत है बुज़ुर्गों की कि थाली का बैंगन, जी, तो वो बैंगन कभी ना बने, क्योंकि जिस तरीके से आपने अगर एक फील्ड डिसाइड की है तो आप उस फील्ड में रहें। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, यू विल डू टू क्लासेस आल्सो, और आप सीखें उस चीज़ में, आगे बढ़ें, लेकिन अपना गोल ज़रूर डिसाइड करें। तो प्रिंस जी, जिस तरीके से हमारा भी काफ़ी सफ़र हो चुका है, हम काफ़ी समय से बात करते हैं, मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें, तो देवभूमि हिमकला मंच के साथ कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे सफ़र आगे बढ़ा, कब पहला दिन था, क्या चीज़ें थी? जी ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा सफ़र रहा है, क्योंकि मैं देव सर से, क्योंकि मैं ऐसा था कि देवभूमि हिमकला मंच के काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते थे, कंपटीशन चलते रहते थे, तो मैं उनको देखते रहता था, क्योंकि हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फेम मिल चुका था देवभूमि हिमकला मंच को, क्योंकि उसके अलावा मुझे और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं दिखी थी जो प्लेटफॉर्म एक क्रिएट कर रही थी बच्चों के लिए, सबके लिए कर रही थी, एक मौका दे रही थी, तो वैसे ही मैं देखते रहता था और अच्छा लगता था कि कोई ना कोई है, क्योंकि हम लोग उस स्टेज से गुजर चुके थे, क्योंकि हमें शायद अगर एक राइट टाइम पे, एक जब हमारा बेस था एक स्टूडेंट लाइफ से, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते आज की डेट में, शायद हम भी कहीं आगे होते जी। बट आज वो मंच को देख के बहुत खुशी होती थी, जब मैं सोशली देखता था कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने अच्छे डांस कर रहे हैं, और आप लोग इवेंट करा रहे हैं देवभूमि कला मंच, तो बहुत अच्छा लगता था। तो वैसे ही मैं देव सर से अननोन थे, बट
मैं इनसे बातचीत करने का ऐसा लगा मुझे कि मुझे जो सर कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट डालते रहते थे, मैं इंटरव्यूज़ देखते रहता था, क्योंकि इनका सपना एक ही था कि खुद के लिए ना हो पर दूसरों के लिए करना ज़रूरी है, तो वो चीज़ मैं हमेशा अच्छी लगती थी और मैं भी ऐसी सोच का ही रखता था कि चलो खुद का टाइम चला गया है बट क्या है कि औरों के लिए करें कुछ ना कुछ, हिमाचल के टैलेंट को भी बाहर लें तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी दौरान ऐसी थोड़ी छोटी मोटी बात होती थी, सर भी बिजी रहते थे बट सर का एक अच्छी आदत थी, कभी इग्नोर नहीं किया, मेरा नंबर भी एक्सचेंज हुआ था तो सर हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, चाहे इनका टाइम मुझे नहीं पता कि कितने बिजी है बट हमें हमेशा टाइम दिया और वो ही हमें अच्छा लगा कि सर का स्वभाव अच्छा है, नेचर अच्छा है, कभी इग्नोर नहीं किया। इसी थ्रू हम लोग फिर देवभूमि हिमकला मंच के बारे में जाना, सर से बातचीत की, फिर मिलने की काफ़ी कोशिश की बट मैं आउट ऑफ हिमाचल ज़्यादा रहा था तो सर से मुलाकात नहीं हो पाई थी, पर मुलाकात ना होते हुए भी आज ये डिस्कस कर रहा था, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं मिले हैं तो सर हमारे लिए एक अननोन जैसे हैं, हमेशा एक फैमिली की तरह लगा कि हम भी इनके साथ हमेशा जुड़े हैं, कुछ भी काम हो कुछ भी है सर हमें हमेशा इंटीमेट करते हैं कि नहीं आप करो, या कुछ भी प्रोग्राम होते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूर मैसेज करते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करो। तो ऐसे ही जान पहचान हुई और आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि आज देव सर से मुलाकात करने का मौका मिला। काफ़ी टाइम से सोचता था कि सर से मुलाकात, बट वही है कि एक तो डिस्टेंस ज़्यादा था क्योंकि मैं थोड़ा अपर शिमला में रहता हूँ तो सर से ऐसा कोई टाइम नहीं मिल पाया, बट आज कुदरती ऐसा हो गया कि आज देव सर से मुलाकात हो गई। तो जैसे ही हम शूट पे गए थे वहाँ से आने से मैंने देव सर को मैसेज कर दिया था गाड़ी से कि मैं सर आपके पास आज ज़रूर आऊँगा, तो वही चीज़ था कि आज शायद मेरा भी सौभाग्य था सर से मिलने का, बस यही सफ़र रहा सर। बाकी प्रिंस जी घर गाँव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से? जी मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहसील चौपाल के एक छोटा सा गांव है बमटा नाम से है, तो छोटा सा गांव, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे फैमिली में मेरे पापा है फॉरेस्ट में जॉब करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है, मेरी तीन सिस्टर्स हैं और भैया और भाभी है जो कि दोनों सोलन डिस्ट्रिक्ट में एडवोकेट हैं। बाकी मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ ज़्यादा नहीं है, कॉलेज नहीं हुआ है मेरा, अनकम्प्लीट रह चुका था कुछ फैमिली इशू के कारण, तो मैं जल्दी जॉब करना स्टार्ट कर लिया था, तो आज मुझे लगभग जॉब करते करते 7-8 साल भी हो चुके हैं जी। बाकी ज़्यादा कोई ऐसा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का जी। चलिए, जिस तरीके से देवभूमि हिमकला मंच में मेरे साथ भी बहुत सी कड़ियाँ जुड़ी, बहुत से नाम मेरे साथ जुड़े, आज इस इंटरव्यू सेशन में मेरे साथ आपने देखा प्रिंस रावत जी थे, बहुत ही शालीन स्वभाव के और बहुत ही साफ दिल, कोई झूठ नहीं, कोई किसी तरीके की कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और देवभूमि हिमकला मंच जो है अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपके साथ इस इंटरव्यू सेशन में, और फिर मिलेंगे, इनकी बहुत अनछुए पहलुओं को जानेंगे, लेकिन आज की मुलाकात यही समाप्त। नमस्कार, जय हिंद।